वेदर देखते हैं गाइस, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ, स्लिप मार गई क्या? पता नहीं है मेरे, मैं था गाड़ी में पीछे ट्रक वाला था, ये थोड़ी सी स्पीड में थे और मैंने हल्की सी गाड़ी काटी, इनसे स्कूटी अनबैलेंस हो गई थी। वो घबरा गए होंगे ना। तो हेलो भाई, फैमिली कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही रहना। तो वीडियो कर देना हमेशा ही तरह लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे सामने कूड़े का पहाड़ और अभी हम खड़े हैं जीटी करनाल रोड बाईपास पे। तो आज अपनी वीकेंड बाइक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना लाइन ऑफ। फर्स्ट पे खड़ी है अपनी एंटोग्रेस एक्सी, देन सुपर स्क्वाड एडिशन, देन रेस एडिशन एक्सटी, रेस एडिशन नितिन भाई जी, यहाँ पे राहुल भाई की एम टी, यहाँ पे निंजा खड़ी है अपने रतन भाई जी, और यहाँ पे है नितेश भाई जी थंडरबर्ड, यहाँ पे अपनी खड़ी है रुद्रा 2.0, उसका जल्दी नाम देने वाले सारे भाइयों से भी मुलाकात भी करवाता हूँ। और ये खड़े अपनी बेताल, और ये अपने राज भाई की डेविल। तो आज का कुछ लाइनअप ये है, और बाकी जो राइडर्स हैं साहिल भाई, अज्जू भाई, प्रियांश भाई, सहन भाई, वो सब नहीं आ पाए हैं रीजन्स के कारण, आपको पता ही है एज यूजल काम वगैरह पड़ जाते हो, नहीं आ पाते। तो ये अपने सारे भाई, क्या हाल है कार्तिक भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया ब्रो, व्हाट्स अप? और भाई क्या हाल चाल, क्या कुछ नाम है ना आपका? और भाई विवेक भाई तुम ही हो गया, वो आलू पराठा जो कर रहे थे? अच्छा मैं समझ गया। और क्या है इतना भाई? हाँ, और राहुल भाई बढ़िया बढ़िया, सबके कैमरे ऑन है ना। तो भाई जैसा ही मैंने आपको मुलाकात करवा दी है, अब करवाते हैं अपने मेन मंदिर से मुलाकात। तो यहाँ पे अपने रतन भाई, क्या है ब्रो? बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे अपने विक्रम भाई फुल पाला कलावा पैच तो पार्टी पार्टी हो रही फुल सिस्टम। और यहाँ पे अपने ध्रुव भाई, ध्रुव भाई से मिलवाता हूँ। और भाई इतने दिनों बाद कैसा लग रहा है आपको आने? बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने अपना दुख तो अपना ही होता है। बिल्कुल भाई, और हाँ कांग्रेचुलेशन भाई के लिए। थैंक यू भाई थैंक यू। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से ध्रुव भाई अपने नहीं आ रहे थे रीजंस के कारण, तो मैंने इनको आज बुलाया स्पेशली। और ये एनएस किसकी है? अच्छा, और विशाल भाई क्या हाल है? और ये अपने नितेश भाई, नितेश भाई क्या हाल चाल? सो गाइस अभी चलेंगे आगे सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ पे मिलने वाले हैं सुनील भाई विद सुपर मिट्योर 350 उनकी बुलबुल के साथ। तो राइड को भी कंटिन्यू करेंगे। एंड ये रहे अपने छोटे जेएस पाजी, क्या हाल है जेएस पाजी? ये तो भाई ये तो उस फॉर्म में रहते हैं, हमेशा मजे में रहते हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो अभी यहाँ से चलेंगे राइड को कंटिन्यू करने, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ रोड। सो फाइनली गाइस अपनी राइड की शुरुआत, फिलहाल अभी चलते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं, मज़े करते हैं, और आगे मिलने वाले हैं अपने सुनील भाई सुपर मीटियोर 350 के साथ। और आज का जो वेदर है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुहाना है, चेक कर सकते हैं पूरा, मतलब ये लगा लो कि क्लाउडी वेदर, एकदम क्लियर मौसम है, देख सकते हो आप सारे भाइयों को अपने ज्वाइन करते हैं। आगे वेदर देखते हैं गाइस, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ, स्लिप मार गई क्या? पता नहीं है मेरे,
मैं था गाड़ी में, पीछे ट्रक वाला था, ये थोड़ी सी स्पीड में थे और मैंने हल्की सी गाड़ी काटी, इनसे स्कूटी अनबैलेंस हो गई थी। वो घबरा गए होंगे ना। पैनिक के लिए तो गाइस डीडी के लग गई है, तो कोई बात नहीं। वो कार वाले भैया से जो भी उन्होंने साइड वाइड वो बोल रही मैं साइड करी वो भी है, तो रुक गए, मतलब उनकी गलती मान रहे हो जो भी है, बाकी होप्स होगी ठीक हो जाएंगी वो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो भाई ऐसे टाइम पे जब मतलब ऐसा कोई स्कूटी बाइकर या क्रैश हो जाता है जिसका भी, तो गाड़ी वाला अगर रुकता है तो ये लगा लो कि बंदा अच्छा है, अगर वो भाग जाता है तो वो बंदा बेकार है, फिर उसका ना रुकने का मतलब रीज़न ये है कि उसे पता है कि अब उसकी पिटाई लगेगी या केस बनेगा उसके ऊपर, तो इसलिए वो नहीं रुकता है, वो चले आता है। बट वो जो सरदार जी थे, बाजी थे, वो बता रहे थे मेरे को कि मैंने ऐसे ऐसे साइड थोड़ी मारी, तो जो दीदी थी वो घबरा गई। खैर कोई बात नहीं यार, हो जाता है सर, हर किसी के साथ हो जाता है, बट मैं यही दुआ करूँगा कि वो ठीक हो जाए, ज़्यादा ना लगी हो एंड अपने घर सेफली पहुँच जाए। तो आज की तो अपनी लोकेशन है वो जा रहे हैं हम हवेली, जो कि पड़ेगा मूर्थल में, वो बहुत मज़ा आने वाला है आज की राइड में भी, तो वीडियो में प्यार दिखाना। एंड आगे मिलने वाले हैं अपने सुनील भाई, और यार ठंड भी लग रही है क्योंकि बारिश हो चुकी थी, तो ठंडा मौसम हो गया था, इसलिए आज का तो मेरे को वेदर लग रहा है ना यार, वो कसम से एकदम कूल लग रहा है, एकदम मज़े वाला मज़ेदार लग रहा है। और आज इस हाईवे पे पहली बारी मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक कम है, वरना तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा निकल रही होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लेन जो लगा लो तो गाड़ियों वाली लेन है राइट साइड वाली, उसमें गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा निकलती है, बट आज मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ बहुत कम है, डोंट नो क्यू, क्या रीज़न है। और यार अपनी रुद्रा 2.0 की जो हालत हो चुकी है ना मिट्टी से बारिश की वजह से, मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है। तो भाई यहाँ के तो रास्ते भी पता नहीं टेढ़े मेढ़े कब बन जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे जब भी आओ यहाँ पे काम ही चलता रहता है, डाइवर्जन लगे रहते हैं। और भाई जल्दी अपनी लॉन्ग राइड भी आने वाली है, जिस दिन हम निकल जाएंगे उससे पहले मैं आपको व्लॉग बना के ज़रूर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बिकॉज मैंने अभी तक लोकेशन रिवील नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक व्लॉग बनाया जाए अपनी लॉन्ग राइड का, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और आगे चल रहे नितेश भाई, तो अभी सबसे आगे मैं और नितेश भाई चल रहे हैं, और आज थोड़ी बाइक को यार कहने मतलब अभी थोड़ी स्पीड में नहीं बट थोड़ी स्पीड में चलाऊंगा, ओ भाई इस हाईवे में तो जब भी देखो रेड लाइट ही रेड लाइट है। हैं अभी नहीं लिए ना। हाँ भाई तो फुल एच एस बी की तरह खिंचा मारे, अरे खिंचा मारे, अरे भाई भाई ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हो ना, ट्रैफिक मतलब उस चीज़ का है जैसे ऊपर ये पुल देख रहे हो, पहले हम जब भी जाते थे पुल के ऊपर से जाते थे, क्योंकि तब ऐसा कुछ नहीं था किसान आंदोलन वगैरह, तो अब किसान आंदोलन जैसे कि आपको पता ही चल रहा है सिंधु बॉर्डर वगैरह पे जितने भी मेन मेन बॉर्डर है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऊपर का ट्रैफिक है वो सारा यहाँ आ रहा है इसके वजह से यहाँ पे। जाम देख रहे हो आप, और ये आगे जाके खुल जाएगा, मतलब ऐसा जाम है, चालू जाम है, कोई ऐसा रोका हुआ जाम नहीं है। और यहाँ पे तो आर्मी पार्मी वाले सब खड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी वाले ना। ये देखो कैंप देख रहे हो, ये सब आर्मी वालों के लिए ही है। भाई कीचड़ इतना हो रहा है, पूरी बाइक मतलब
पसंद गई है। और ये सब किसानों के लिए लगा रखे है गाइस, ये जितनी भी बैरिकेटिंग देख रहे हो ना, ये सब किसानों के लिए लगा रखी है, क्योंकि किसान आपको पता है वो तोड़ ताड़ देते हैं, वो कुछ नहीं देखते। मतलब इतना सारा इंतजाम, ये सब जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब किसानों की वजह से कर रखा है। सो गाइस, अभी आपका भाई आ चुका है ध्रुव भाई की एक्सटी पे। भाई का मन कर रहा था चलाने का, तो भाई ने बोला कि मोहित भाई मैं चला सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं। तो भाई देखो आगे राइड कर रहे हैं अपने रुद्रा 2.0 को, बनी कवर लगा रखा भाई ने, रिएक्शन तो ज़बरदस्त मिलते ही है। तो अभी हम जा रहे हैं गेयर सार हेयर के पास, यहाँ पे मिलने वाले हैं हमें सुनील भाई। तो भाई सारे भाई जो आगे पीछे हो गए थे, नितिन भाई वगैरह, तो सारे अब हम मिल चुके हैं। अब वन की लाइन में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप शीशे में भी अगर नज़र आ रहा हो तो। तो अब सुनील भाई को ज्वाइन करेंगे। सुनील भाई भी कब से वेट कर रहे होंगे यार, वो भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ रह गए, हमेशा लेट कर देते हैं। तो भाई को भी आज ज्वाइन करना है गेयर आर हेयर जो शॉप है, राइडिंग एसोसिएशन से रिलेटेड जो शॉप है, वहाँ पे भाई मिलने वाले हैं। और यार ठंड लग रही है, मौसम ना काफ़ी ज़्यादा मतलब खुल चुका है बारिश की वजह से, बैक फायर। और बताओ भाई लोगों, मौत चल रही है नहीं चल रही? मौत चलती रहनी चाहिए, तो बोलना तो पड़ेगा दीप भाई की तरह, क्या टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। फाइनली गाइस सुनील भाई आ चुके हैं अपनी सुपर मीटोर 350 के साथ, जो कि है बुलबुल। और यहाँ पे भाई आए हैं सुपर मीटोर 650 के साथ, भाई ने कोई नाम नहीं रख रहा है फिलहाल, तगड़ी लग रही है काफ़ी सिंपल एकदम सोवर, देख सकते हो क्रूजिंग बाइक है पूरी। सो ये अपना आज का सारा काफिला, सारे भाई ज्वाइंट हो चुके हैं, चलने वाले हैं, बहुत मज़े आएंगे। सर्विस रोड पर हमें जाम मिला, ये सिंगो वाटर सर्विस रोड पे हाँ जाम लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है भाई ना, जो खुला पड़ा है चलो ऐसा ही है, हां चलते रहते चलो चलो भाई। आज का लाइनअप मतलब आज सोचा नहीं था कि हमने इतने राइडर्स आएंगे। लिस्ट में पहले जब लोकेशन डाली तब ये लाल होगी 4 से 5 बंदों के नाम से, बट कल जब मेरा भी कच्चा पक्का था, मैंने सबको बुलाया, तो ऐसे कर करके अब ये देख लो आपके सामने है जितने भी हम, कम से कम नहीं तो 14-15 राइडर्स हो ही गए हैं। राहुल भाई हो गए ना? हाँ भाई इतने हो गए भाई। हाँ तो 14-15 राइडर्स हो गए, तो मतलब कुछ संडे ऐसे भी होते हैं कि उम्मीद नहीं होती कि इतने बंदे आएंगे, बट आ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एक संडे मिस कर देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो राहुल भाई सही बात है, नहीं बात है? बिल्कुल भाई सही बात है भाई, आज बारिश हो रही थी इस चक्कर में थोड़ा सा और राइडर आ नहीं पाए, तो और भी आते हैं। हाँ बारिश के चक्कर में रुक गए बिल्कुल। तो यहाँ पे गरम धरम अमृत सुखदेव ये सब कर चुका है। और हवेली जहाँ पे हम जा रहे हैं जस्ट 500 मीटर है आने वाली है। क्या नाम है? मन्नत की हवेली? ना ना ना, ओनली हवेली, ओनली हवेली। हाँ बस यहीं से कट है ना, यहीं पे अंदर। पार्किंग का स्पेस अच्छा है यहाँ पे, पीछे नहीं लगाएंगे यार बाइक, सामने लगाओ ना यही बाइक। अरे वहाँ पे पीछे पार्किंग है ना, पीछे अच्छा।
उधर है पार्किंग, उधर मतलब वीडियो बनाने में तो यहाँ पे मजा आता ना। अरे उधर खुला स्पेस है, यहाँ की तरह ही है, यहाँ पे आज कोई भी नहीं आई, बस फैमिली भी नहीं दिख रही यार। वही तो कह रहा हूँ, बस वहाँ पे रहते ना मन्नत के हवेली, वहाँ तो 3-5 फैमिली है ना काफी। हाँ अरे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पता है क्या, आज मैंने ये भी नोटिस किया कि गाड़ियाँ भी नहीं थी इतनी, और बारिश के चक्कर में ना कोई काफी बंदे आए नहीं होंगे, फिर दिक्कत ही है। हाँ सो फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस, अब लगाते हैं पार्किंग में यहाँ पे स्कूटी बाइक को। टन चलेंगे अंदर, सो गाइस सारी बाइक स्कूटी पार्क कर दी है, देख सकते हैं आपके सामने। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ है अपना लाइनअप और यहाँ पूरा एंड तक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ धीरे धीरे। ये देखो पूरा एंड तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 बाइक्स एंड स्कूटी है टोटल आज के लाइनअप में। काफ़ी सही लग रहा है आज का लाइनअप, बहुत मज़ा आने वाला है। सो अंदर चलेंगे एंड देखें कि क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, क्या पियेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आयरी सो गाइस अब जा रहे हैं अंदर एंट्री लेने हवेली के, तो काफ़ी लाइन से चल रहा है, मतलब जैसे कोई भंडारा खाने जा रहे हो, बट अभी अंदर जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, उसका हमें मनी देने पड़ेंगे, मनी भाई बोलते तो चलेंगे। एंड मैं तो कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगा यार, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पेट में फिर एसिडिटी बन जाती है अगर मैं उल्टा सीधा खा लेता हूँ। तो लेट्स मूव इनसाइड टुवर्ड्स हवेली, ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं बट लोकेशन नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे दोबारा आना पड़ रहा है। और ये आ रहे अपने सुनील भाई और उनके फ्रेंड, सो लेट्स मूव इनसाइड। चलो भाई भाई यहाँ का इंटीरियर कुछ सही सा है, देख सकते हो आप। ओ भाई यहाँ पे आगे सुकून मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हीटिंग है। सो हमारे लिए ऑफिशियल सोफे ओफे लगवाए जा रहे हैं लग रहा है, सोफे 15 बंदे हैं, इसी को जुड़वा दो तो 7:48। नहीं बैठ जाओ यार। सो अब देखते हैं कौन सी टेबल फाइनल डिसाइड होगी, हम बैठेंगे एंड खाएंगे पीएंगे। सो फाइनली गाइस खाना पीना सब हम करके आ गए थे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में एज यूजल आलू पराठा ही लिया और चाय। सो अब घर निकलने की तैयारी है, ये सारे अपने खड़े भाई लोग और ये अपनी बाइक, राहुल भाई ट्रायल ले रहे हैं, टेस्ट राइड ले रहे हैं, सारे रील वगैरह बना रहे हैं, नितिन भाई वगैरह। सो अब निकले हैं घर की तरफ एंड आप बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, रोड का व्यू कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना एंड बाइक का लुक कैसा लगा। सो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय।